इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जॉन विक स्टाइल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक फ़ोटो खिंचवानी है जॉन विक स्टाइल में, और उसके बाद आपको उस फोटो का मास्क निकालना होगा। मास्क निकालने के लिए पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ मैं। पेन टूल यूज़ करने के बाद मैं कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ इसमें, जैसे कि बियर्ड होगी और हेयर होगी, ताकि वो ट्रांसपेरेंट दिखें। मेरे को मॉडल की कुछ जगहें ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने उनको फिक्स करने का सोचा। पहले मैंने क्लोन टूल यूज़ किया, लेकिन उससे काम नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फ़ोटो को मिरर किया और उसके बाद उसको एडजस्ट किया इस हिसाब से, ताकि नेक की लेफ़्ट साइड राइट पे लग जाए और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ फाइनल स्मूथनिंग की है जिसकी, और फाइनल रीटचिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड किया। उसके बाद मैंने एक कोट की इमेज ली रेफरेंस के लिए, जिसको मैंने मॉडल पे धीरे धीरे फिट करना शुरू किया। तो वॉप ट्रांसफ़र करते करते मैंने सभी एजेस को एक साथ अलाइन करने की कोशिश की, सबसे पहले नेक, फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैं शोल्डर्स को अलाइन कर सकूँ मॉडल के शोल्डर्स के साथ। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं अचीव कर पा रहा था जो मेरे को चाहिए था। मैंने फिर उसके बाद मॉडल की एक रफ लेआउट बनाई, जिससे मेरे को आइडिया मिल जाए कि उसके हैंड्स कहाँ पे होने चाहिए और उसकी बाकी बॉडी कहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद एक बैकग्राउंड इमेज लेकर उस पर मैंने ब्लर लगाया, फिर कोट को फिर से एडजस्ट करना शुरू कर दिया, और फिर उसी इमेज को एज ए रेफरेंस यूज़ किया फर्दर प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि जो आर्म्स थी कोट की वो मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने कोट में से ही एक सैम्पल लिया और उसके बाद उसको आर्म्स में फिट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ताकि वो काफ़ी सही लगे और ऐसा लगे मैच हो थोड़ा। फिर उसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स और करने के बाद मैंने फाइनली सबको अलग अलग कर दिया, जैसे लेफ़्ट हैंड अलग, राइट हैंड अलग और बॉडी पार्ट अलग। उसके बाद थोड़े से और चेंजेस के बाद मैंने सबको ब्लेंड करना शुरू कर दिया, एक अलग से आर्म बनानी शुरू कर दी। इस स्टेप को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम खर्च हुआ था, मेजर पार्ट मेरा इसी में गया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करते आर्म्स को एडजस्ट किया, फिर उसके नीचे कुछ शेडोज़ बनाई, फिर मैंने मॉडल के दोनों हाथों को अलग किया और उनको कोट के ऊपर किया। फिर कुछ फाइनल एडजस्टमेंट्स के बाद मैंने ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया सबको शेडोज़ के साथ, और ओवरले करना शुरू कर दिया, जो चीज़ नीचे है उसको नीचे और ऊपर है ऊपर। फिर उसके बाद फाइनली मैंने सारा कुछ रीएडजस्ट किया और मॉडल को फ्रंट पे लेकर आया। देन मैंने पीछे से कुछ हाइलाइट्स कम की और हाथ में गन फिट करनी शुरू कर दी। गन का थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज किया, ताकि वो उस डायरेक्शन की तरफ फेस करे जिधर मॉडल का हाथ है। फिर उसके बाद मैंने गन को इरेज करना शुरू किया। गाइज, यहाँ पे ध्यान रखना, शेडोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने धीरे धीरे शेडोज़ बनाई, बट यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, हाथ के जो शार्प एजेस हैं उनको स्मूथ कर दिया था, जो कि मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ कि अब इसको मैं अंडू नहीं कर सकता, ये थोड़ी गलती होगी मेरे से। बट दूसरे हैंड में मैंने उसका काफ़ी ध्यान रखा और दूसरे हैंड में ऐसा कुछ नहीं होने दिया। उसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स के बाद, शेडोज़ के बाद, मैंने गन को फाइनली सेट कर दिया उसकी पोजीशन पे। फिर उसके बाद मैंने शेडोज़ गन के ऊपर बनाई, देन आर्म के नीचे एंड आर्म के ऊपर हाइलाइट्स। फिर उसके बाद गाइज, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ा मैं। मैंने सबके पहले कलर एडजस्ट किए कर्व्स एंड एडजस्टमेंट लेयर से, देन उसके बाद मैंने ब्लर ऐड किया इस पूरी फ़ोटो में, जो एजेस थे उनको थोड़ा स्मूथ किया, और फिर मेरे को नेक ऐसा लग रहा था कि अजीब लग रही है, मैंने वहाँ पे भी शेडो ऐड की। उसके बाद मैंने एक कलर करेक्शन की, जो कि मेरे को काफ़ी बेसिक सी चाहिए थी। उसके बाद मेरे को इस फ़ोटो में कलर्स बहुत कम लग रहे थे, तो मैंने धीरे धीरे लाइट के सोर्स ऐड करने शुरू किए, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अलग अलग लाइट्स आ रही हों। देन जॉन विक पार्ट 3 से जो ग्रीन कलर था उनका मेन कलर, मैंने उसको ऐड करना सही समझा। उसको ऐड करने के बाद मैंने जॉन विक का टेक्स्ट ऐड किया, देन लोगो ऐड करने के बाद मैंने फिर थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट्स की, देन फाइनल कलर करेक्शन करने के बाद मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया और सभी कलर्स को बैलेंस करने की कोशिश की। तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती नोटिस की, जो राइट हैंड था वो सही पोजीशन में नहीं था, तो मेरे को फिर से बहुत ज़्यादा पीछे स्टेप्स में जाकर उसको रीएडजस्ट करना पड़ा, और उसके बाद मैंने उसमें शेडोज़ भी ऐड की।
उसको एडजस्ट करने के बाद मेरे को लगने लग गया कि अब मेरी फ़ोटो फाइनली कुछ ठीक लग रही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने फिर से वहाँ पे ब्लर ऐड किया, सभी स्टेप्स को फिर से आगे प्रोसीड किया और काफ़ी हैंड में जो मूवमेंट है अभी राइट हैंड में देखिए राइट हैंड में कितना फ़र्क आया है। तो गाइस इस सिंपल फ़ोटो से मैंने जॉन विक कंसेप्ट बना दिया, आप भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसमें अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं आप। इसका मैंने एक पिक्सार ट्यूटोरियल भी बनाया है, वो ज़रूर से चेक कर लीजिए और लगे हाथों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना कर पाओ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।